पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि हम सबका अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्री अधिकारी नहीं आएगा, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक अधिकारी को उनको रिसीव कर। हेलो, मैं हूं तस्खीर और रिएक्शन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। मुझे भी इंतज़ार था इस चीज़ का कि पाकिस्तान जब एस जय शंकर पहुँचेंगे यहाँ से, इंडिया से, तो वहाँ पर वेलकम कैसा हुआ, क्योंकि चाइनीज़ पीएम का जो वेलकम हुआ है खुद पीएम शरीफ ने जाकर किया है और अच्छा वेलकम हुआ है, तो मुझे जानना था कि इंडियन मिनिस्टर का कैसे होगा वेलकम। तो हम देखेंगे, इंडियन मीडिया क्राइंग ऑन एस जयशंकर वेलकम इन पाकिस्तान एससीओ समिट पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। भारतीय फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर बकायदा अब पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। वो एक पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंचे थे नूरान एयरबेस पर, जहां पर हमारे फॉरेन अफेयर्स के दो मुलाजमीन ने उनका इस्तकबाल किया, जिनके साथ दो बच्चे भी मौजूद थे, जिनमें से एक ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया। एस जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो वो शायद इस इस्तकबाल को देखकर काफ़ी मायूस दिखाई दिए, हालांकि रेड कारपेट ज़रूर बिछाया गया था। एस जयशंकर जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल में नज़र ना आए, जबकि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एस जयशंकर के पाकिस्तान विज़िट को लेकर भारत का मीडिया पाकिस्तान से ये मुतालबा करता दिखाई दे रहा था कि जिस तरह चीनी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट के तौर पर वेलकम किया गया, उन्हें किस तोपों की सलामी दी गई, एक प्रोटोकॉल के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद उन्हें रिसीव किया और शानदार काफ़िले के ज़रिए उन्हें उनकी रिहाइशगाह तक पहुँचाया गया, बिल्कुल उसी तरह वो भी ये चाह रहे थे कि एस जयशंकर का पाकिस्तान में इसी तरह का इस्तकबाल हो, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उसका 180 डिग्री उल्टा किया। बच्चों ने ज़रूर फूलों का गुलदस्ता दिया, लेकिन वो जो चेहरे के तासरात थे वो काफ़ी मायूस कुन दिखाई दे रहे थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि एस जयशंकर जब वहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री के दो अहलकारों के साथ वापस रवाना हुए तो ज़रूर अकड़ते हुए दिखाई दिए, जैसे वो पाकिस्तान फतह करने आए हैं। लेकिन इस सारे मामले पर अब भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, ये सुनना बड़ा दिलचस्प और फन से भरपूर होगा, क्योंकि आज से एक साल पहले जिस तरह उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ किया था, बिल्कुल वैसा ही इस बार पाकिस्तान ने एस जयशंकर के साथ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं भारत के मीडिया वाले इस सारे मामले को लेकर, और खासकर उन दो बच्चों को जो उन्हें फूल दे रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। एससीओ बैठक के लिए भारत की तरफ से हिस्सा लेने पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना था, अब वो वहां पहुंच गए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, भारतीय विमान से पाकिस्तान की धरती पर उतरते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। जी हाँ, एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि हम सबका अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्री अधिकारी नहीं आएगा, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक अधिकारी को उनको रिसीव करने के लिए भेजा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कार्पेट भी बिछाया गया। और ये देखिए तस्वीरें, क्या स्वैग से चलते हुए भारत के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस वॉक है वो किसी भी दुश्मन के हौसले को धराशायी कर सकता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो भारत का ये स्वैग बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि किस तरह से दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात के वक्त पाकिस्तानी पीएम के टांगे कांपने लगती हैं, तो कभी वो ईयरफोन तक नहीं पहन पाते। हालांकि ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़े ही अपने अंदाज में भारत के विदेश मंत्री फिर गॉगल्स पहनते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ ये जान लेना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री 24 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान की धरती पर नहीं रहने वाले हैं। उन्हें एससीओ मीटिंग के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। यहाँ माना यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात चाइना और रशिया के काउंटर पार्ट से हो सकती है। वहीं एससीओ मीटिंग से पहले एक वेलकम डिनर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद वो मीडिया से किसी तरह की बातचीत करेंगे या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में उतरे हैं, जो स्वैग उनका दिख रहा है वो वाकई में लाजवाब है, और वो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिख रहा है। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। 9 साल एस जयशंकर को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका स्वागत करते हुए पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए
पहुंचे हैं इस्लामाबाद में इस समय, और हालांकि पाकिस्तान में इस समय घमासान मचा हुआ है। इस SCO समिट का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और इस ऐसे समय पर वहाँ पर सड़कों पर जो PTI है, जो इमरान खान की पार्टी है, उसने बवाल किया हुआ है। अभी अभी की खबर है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नूर खान एयरबेस पे लैंड कर चुके हैं और वो SCO समिट के लिए इस वक्त पाकिस्तान में हैं। आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय SCO शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है और इस बार पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। हम आपको बताएं कि थोड़ी ही देर पहले उनका विमान लैंड किया नूर खान एयरबेस पे और उनका स्वागत गर्मजोशी से की गई वहां पर। लेकिन आपको बता दें कि जैसा तस्वीरों में दिख रहा है कि वो 2 छोटे बच्चे आए एक फूल का गुलदस्ता लेकर, उनको फूल का गुलदस्ता देकर उनको स्वागत किया गया है और वो अपने सभी एम्बेसी के अधिकारियों से और पाकिस्तान की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां पर आए, उनका स्वागत किया, वेलकम किया और वहां 2 बच्चे भी थे जिन्होंने उनको फूल का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विजिट है भारत की तरफ से SCO समिट में, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के किस तरीके के रिश्ते हैं। लेकिन SCO समिट की मेजबानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है और भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं वो मौजूद हैं और वो आज शाम को भारत की तरफ से अपनी प्रेजेंस SCO शिखर समिट में रखेंगे। लेकिन आज शाम में एक गाला डिनर जो कि रात्रि भोज है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रखा है जिसमें वो मौजूद रहेंगे और कल यानी कि आखिरी दिन जब होगा शिखर सम्मेलन का उस समय वो शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन रखेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि हम सबका अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्री अधिकारी नहीं आएगा, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक अधिकारी को उनको रिसीव करने के लिए भेजा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कार्पेट भी बिछाया गया और ये देखिए तस्वीरें, क्या स्वैग से चलते हुए भारत के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस वॉक है वो किसी भी दुश्मन के हौसले को धराशायी कर सकता है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो भारत का ये स्वैग बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि किस तरह से दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात के वक्त पाकिस्तानी PM के टांगे कांपने लगती हैं, तो कभी वो ईयरफोन तक नहीं पहन पाते। हालांकि ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बड़े ही अपने अंदाज में भारत के विदेश मंत्री फिर गॉगल्स पहनते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ ये जान लेना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री 24 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान की धरती पर नहीं रहने वाले हैं। उन्हें SCO मीटिंग के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। यहाँ माना यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात चाइना और रशिया के काउंटर पार्ट से हो सकती है। वहीं SCO मीटिंग से पहले एक वेलकम डिनर पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की तरफ से दिया जा रहा है जिसमें भारत के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। ऑलराइट, तो बात करें इस वेलकम की, मुझे भी जानना था यार, मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड था कि यार वेलकम होगा कैसे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था मेरे दिमाग में कि यार जिससे जिस कंट्री से ज़्यादा लेन देन काम धंधा बिजनेस चल रहा है उसका अच्छे से वेलकम करना, तो जाहिर सी बात है जिसके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर जिसके साथ लड़ाई है या फिर झगड़ा है या फिर वर्सेस वाला सीन चलता आ रहा है या फिर दुश्मनी चलती आ रही है बहुत टाइम से, तो उसके साथ आप वैसे करता है, मैंने देखा है कुछ कंट्रीज करती हैं रिलेशंस, लेकिन जाहिर था ये बात, ये जाहिर थी, थोड़ी सी दिमाग में थी कि उतना नहीं होगा जितना चाइनीज़ मिनिस्टर के साथ हुआ था वेलकम में अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है ये इतना बुरा नहीं है ना। अगर ये कहा जाए कि जाकिर नायक का बहुत बढ़िया वेलकम हुआ है, बहुत बड़ा, तो बहुत नॉर्मल, मतलब अच्छा था उनका वेलकम पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है कि यार उसमें भी 2 बच्चे आए थे, इसमें भी 2 बच्चे आए हैं जयशंकर को रिसीव करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए कुछ बुके देकर, और कुछ ऑफिशियल्स आए हैं सिक्योरिटी वगैरह, तो बुरा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि अकेला छोड़ दिया गया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन बनेगा भाई और मीडिया इस मुद्दे को उठाएगी, ये भी बात पक्की है, क्योंकि चाइना का जो किया गया है वेलकम वो इंडिया का नहीं हुआ है, और वो नहीं हुआ इसकी एक वजह यही है कि दुश्मनी कनेक्शंस कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, देखते हैं भाई, जयशंकर पहुंच गए हैं, गॉगल्स वॉगल्स लगा रहे हैं, धूप में पहुंचे होंगे शायद उस वक्त, तो देखते हैं क्या रहता है समिट में, कौन क्या स्पीचेस देता है, कौन कैसी बातें करता है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन
यहाँ ये थोड़ी सी हलचल मच गई है मीडिया में कि यार जयशंकर का वो वेलकम नहीं हुआ है जो मुझे, तो भाई कम से कम मैं इतनी बात तो समझता हूँ कि भाई जब कनेक्शंस रिलेशंस अच्छे नहीं हैं आपके जिस कंट्री के साथ, उसका बहुत ग्रैंड वेलकम मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या रहेगा, कुछ बुरा ना हो जाए। ठीक ठाक था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या कहना है इंडियन मीडिया के बारे में और इस वेलकम के बारे में, ज़रूर बताना।